हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें हम पार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। देख लेना, आप में से कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं आपकी जिनके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। तो जिनके में ट्रिगो है वो लोग इसको करेंगे, जिनके में नहीं है उनका सिलेबस आपका फर्स्ट बुक का कंप्लीट हो चुका है। बात करें सीसीएस यूनिवर्सिटी की, तो सीसीएस का आपका फर्स्ट बुक का सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं करनी है अभी, ठीक है। तो जिनका सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है वो ही करें ओनली, बाकी सब अपनी एग्जाम्स की तैयारी करें। तो इसमें हमारे चैप्टर चल रहा था फर्स्ट कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, जिसमें हम किन किन फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबॉलिक फंक्शंस। तो इसमें एक्सरसाइज 2 चल रही थी, जिसमें हमारे मेनली चल रहे थे हाइपरबॉलिक फंक्शंस। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे वीडियोस तो देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो एक्सरसाइज 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 4 से आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4-5 दो क्वेश्चन इसके ऐसे हैं जो आपको करने हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, जितने क्वेश्चन इसमें मैं आपको करा रही हूँ सफिशियंट है, आपको ओनली इतने ही क्वेश्चन करने हैं और एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से कर लेने हैं। बाकी के क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। मैथड आपका यही होगा जो फॉर्मुले मैं यूज़ कर रही हूँ, कम्प्लीट एक्सरसाइज में यही फॉर्मुले यूज़ होंगे। आपके पास में बुक्स हैं, आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आप क्वेश्चन की कर सकते हो, उसके लिए मना नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा है, प्रूव दैट इफ यू इज इक्वल टू दिस, सो देन प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट ये रहा और सेकंड पार्ट ये रहा। गिवन क्या आपको, यू इज इक्वल टू दिस आपको दे रखा है, तो जो गिवन है उसको लेके चलेंगे। दिया हुआ क्या है आपको, यू इज इक्वल टू लॉग 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, लॉग को इधर की साइड लेके आओगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, e की पावर u की फॉर्म में। यहाँ से टर्म क्या बचेगी, 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, 10 एक्स प्लस वाई का। तो 10 एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ओपन करोगे कितना होता है, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। तो 10 पाई बाय 4 इंटू 10 थीटा बाय 2। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो आप सभी को पता है क्या पता है, e की पावर u आपका एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 10 थीटा बाय 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस के, यहाँ से इसकी वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 10 थीटा बाय 2। यहाँ से आप फॉर्मूला ओपन कर लोगे, किसमें साइन थीटा बाय 2 को किसकी फॉर्म में लिखोगे आप, साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में लिख लोगे। तो टर्म आ जाएगी e की पावर u इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको लिख सकते हो आप साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा बाय 2 अपॉन में कितना बचेगा, कॉस थीटा बाय 2। इसके अपॉन में टर्म क्या आ जाएगी सॉल्व करने के बाद में, थोड़ा सा यहाँ से ले रही हूँ मैं। यहाँ से देखिए इसको भी किस फॉर्म में लिखोगे आप, साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, उसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म क्या आएगी, कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 और अपॉन में फिर से कितना आएगा इनके, कॉस थीटा बाय 2 आएगा। कॉस थीटा बाय 2 से कॉस थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास में टर्म क्या बचेगी, ई की पावर यू इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से टर्म क्या आ जाएगी, कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 अपॉन में टर्म कितनी आएगी, कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2। इसका क्या कर दोगे आप, रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण हिंदी में बोले तो। मींस क्या होता है, जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसका आप क्या करते हो, जो टर्म्स होती है उनका साइन चेंज करके, बीच वाला साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहाँ पे कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 है, तो माइनस की जगह प्लस साइन लोगे और ऊपर नीचे क्या कर दोगे इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 से ऊपर और cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 से आप नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। साथ के साथ नोट करते जाना, बाकी वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो e की पावर u किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। तो cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से टर्म क्या बन जाएगी, ये cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर यहाँ से देख
देखिए ऊपर किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो फॉर्मूला ओपन कर देंगे, ए की पावर यू किसके इक्वल आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो टू साइन थीटा बाय टू इंटू कोज थीटा बाय टू, और अपॉन में टर्म क्या आ जाएगी, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है आपका कोज टू थीटा का, और कोज टू थीटा अगर यहाँ पे क्या होता है कोज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला बनता है कोज टू थीटा का। लेकिन थीटा बाय टू है मीन्स ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, कोज थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। आप सभी को पता है कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है वन, तो ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, वन के इक्वल आ जाएगी। प्लस टू साइन थीटा बाय टू इंटू कोज थीटा बाय टू, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है साइन टू थीटा का, तो इसके प्लेस पे क्या पुट करोगे आप साइन टू थीटा, और अपॉन में कितना आ जाएगा कोज थीटा। तो ई की पावर यू किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से देखिए वन अपॉन कोज थीटा कितना हो जाएगा सेक थीटा, प्लस ये इसको ओपन करोगे कितना आएगा टू साइन थीटा बाय टू इंटू कोज थीटा बाय टू। तो एक सेकंड रुकी जरा, यहाँ पे ध्यान करिए कि पावर यू किसके इक्वल आएगा, एक तो वन अपॉन कोस थीटा आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये सेक थीटा। यहाँ से देखिए ये इंटू में कितना है, यहाँ पे थीटा बाय टू है, तो मींस ये टू थीटा का फॉर्मूला नहीं बनेगा, किसका फॉर्मूला बनेगा साइन थीटा का, तो साइन अपॉन कोस कितना हो जाएगा टेन थीटा। तो टर्म क्या आ जाएगी कि पावर यू इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, सब ध्यान से समझना, ये आ गया आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट e की पावर u। सिमिलरली अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें की पावर माइनस u की, सिमिलरली अगर हम वैल्यू निकालें की पावर माइनस u की, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा की। चाहे तो आप निकाल सकते हो क्या e की पावर u को, क्या लिख सकते हैं हम e की पावर सॉरी माइनस u को किसके इक्वल लिख सकते हैं वन अपॉन e की पावर u। e की पावर u की वैल्यू रखना, फिर रेशनलाइजेशन कर देना, यानी sec थीटा माइनस tan थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, नीचे बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू हो जाएगी वन, ऊपर टर्म क्या बन जाएगी sec थीटा माइनस tan थीटा। तो e की पावर माइनस u किसके इक्वल आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा के इक्वल आ जाएगा। ये आ जाएगी आपके पास में इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एक बार क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u, ऐड कर दोगे tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 2 sec थीटा, 2 है इधर की साइड लेके आ जाओगे तो कितना हो जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगी टर्म e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u अपॉन 2 इज इक्वल्स टू sec थीटा। sec थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा की फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ से किसका फॉर्मूला बन रहा है आपका कोज हाइपरबोलिक x का, तो टर्म कितनी आ जाएगी कोज हाइपरबोलिक, और x के प्लेस पे कितना है u, ये इधर कोज थीटा है इनटू में आ जाएगा कितना कोज थीटा इज इक्वल्स टू में कितना बनेगा वन, इसको ऐड कर लोगे आप इक्वेशन नंबर थ्री। अब एक चीज का ध्यान करना, जिनके पास में बुक्स है आप देख सकते हो कि इस टाइप के कितने क्वेश्चन है, क्या अगर ये कोस थीटा इधर ही रहने दे तो वन अपॉन कोस थीटा कितना हो जाएगा सेक थीटा, तो कोस हाइपरबोलिक यू इज इक्वल्स टू सेक थीटा। देखिए आपसे क्या टर्म प्रूफ करा रखी है, ये वाले टर्म प्रूफ करा रखी है कि देन प्रूफ दैट यू इज इक्वल्स टू लॉग टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा बाय टू, यानी कि इस क्वेश्चन में दे दिया कि इससे ये प्रूफ करो, मतलब ये नहीं कि आप इससे आगे सॉल्व करेंगे, और किसी क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया ये टर्म दे दिया और इससे ये प्रूफ करा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे एक बार तो ऐड कर लिए, एक बार क्या करेंगे दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस कर देंगे इक्वेशन सेकंड। इसके बाद में यहाँ से दोबारा ऊपर लिखोगे आप क्या इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो माइनस कर दोगे क्या मिलेगा e की पावर u माइनस e की पावर माइनस u इज इक्वल्स टू, जब आप माइनस करोगे तो ये वाले टर्म तो आपकी प्लस की हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा टू टेन थीटा, और sec थीटा से आपका sec थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये 2 आपका इधर आएगा, तो टर्म क्या बनेगी e की पावर u e की पावर माइनस u अपॉन 2 इज इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन cot थीटा, वरना इसको एज इट इज ही रहने देना। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है आपका sin हाइपरबोलिक x का, तो कितना आ जाएगा sin हाइपरबोलिक x के प्लेस पे कितना है u और इज इक्वल्स टू में कितना है tan थीटा। तो यहां से आपका फर्स्ट पार्ट तो यही प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट ये तो प्रूफ करना था साइन हाइपरबोलिक यू इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और सेकंड पार्ट हमें क्या प्रूफ करना था टेन हाइपरबोलिक यू इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो इसके लिए क्या करोगे, जो आपने प्रूफ किया इसको
कर लेना इक्वेशन नंबर 4, और यहाँ से आप आगे देखोगे तो इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देना किससे, इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दोगे आप किससे, इक्वेशन नंबर 3 से। तो यहाँ से आगे देखिएगा क्या बनेगी, साइन हाइपरबोलिक यू है ये, इसको डिवाइड कर दोगे किससे, इस वाली इक्वेशन से। तो यहाँ पे कितना है, कोस हाइपरबोलिक यू इनटू में कितना है कोस थीटा, इज इक्वल्स टू में कितना है इधर टेन थीटा चल रहा है। यहाँ से अगर आप देखो साइन हाइपरबोलिक यू अपॉन कोस हाइपरबोलिक यू कितना बन जाएगा आपके पास में, टेन हाइपरबोलिक यू बन जाएगा, और वन अपॉन में कितना है कोस थीटा, इस कोस थीटा की इधर मल्टीप्लाई कर दो। टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ से टर्म आ जाएगी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास में टर्म क्या आ जाएगी, टेन हाइपरबोलिक यू इज इक्वल्स टू में कितना बचेगा साइन थीटा, जो कि हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा ये प्रूफ हो गया, सेकेंड पार्ट ये प्रूफ हो गया। इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कम्प्लीट होता है, नोट करिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ cos hyperbolic x इज इक्वल्स टू sec थीटा शो दैट tan hyperbolic स्क्वायर x by 2 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा by 2 एंड x इज इक्वल्स टू log tan pi by 4 प्लस थीटा by 2। तो अगर ये कंडीशन आपको दे रखी है तो आपको ये दोनों कंडीशन सो करके दिखानी है। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है वो ही लिख लेंगे, गिवन दैट क्या दिया हुआ है आपको, cos hyperbolic x इज इक्वल्स टू sec थीटा। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, cos hyperbolic x अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये रूल क्या कहता है हमारा, कि जो आपको टर्म्स गिवन है आप क्या करो, जो आपका न्यूमरेटर है उसमें डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, क्या कर दो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो और अपॉन में न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो अभी जब लगाएंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर आपका क्या है कोस हाइपरबोलिक एक्स, इसमें ऐड करेंगे क्या न्यूमरेटर यानी सॉरी डिनोमिनेटर यानी कि 1, और इसमें से माइनस कर देंगे क्या 1। ठीक है, एक बार प्लस करेंगे 1 ऊपर की तरफ तो, और नीचे की तरफ क्या कर देंगे न्यूमरेटर में से माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर को। सेम ऐसे इधर की साइड करोगे, 1 में ऐड करोगे कोस थीटा को और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वाली टर्म्स आई, यहाँ पे आप फॉर्मूले ओपन करोगे, आपने कोस हाइपरबोलिक एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कोस 2 थीटा का। अगर हमें वो फॉर्मूला कोस थीटा की फॉर्म में चाहिए और क्या करना हो, इस 1 को हमें कैंसिल करना हो, तो आप सभी को पता है, पहले एक बार फॉर्मूला देख लीजिए कि कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अगर यहाँ पे हम 2 ना लें तो कितना हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे हाइपरबोलिक ले लें तो आपकी टर्म क्या बनेगी, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बाई 2 यही बनेगी। तो हमारे पास में थीटा के प्लेस पे क्या है, एक्स है, तो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा एक्स, और यहाँ पे टर्म कितनी आ जाएगी, एक्स बाय 2 आ जाएगी। तो कोस हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। तो इसके प्लेस पे क्या पुट करोगे आप, 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, और साथ में कितना चल रहा है, प्लस 1 चल रहा है। ठीक है, कोस हाइपरबोलिक एक्स के प्लेस पे अब के कौन सा फॉर्मूला रखना है, यहाँ पे माइनस 1 है। देखिए पहले हमने कोस वाला रखा क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, लेकिन इस बार आपको प्लस 1 दे रखा है तो हम साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। साइन वाला फॉर्मूला क्या कहता है, 1 माइनस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा। तो कोस हाइपरबोलिक एक्स के प्लेस पे क्या पुट करोगे आप, ये वाली टर्म पुट करोगे, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय 2 और माइनस 1 आपका एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू में, यहाँ पे भी आपका कोस थीटा का फॉर्मूला ओपन करोगे तो 1 प्लस 1 यहाँ पे प्लस का है यानी कि हमें माइनस 1 चाहिए, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। ध्यान रखना यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे एक्स था
कंफ्यूज नहीं होना। थीटा बाय टू माइनस वन अपॉन में वन माइनस, यहाँ पे देखिए जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म किस में आएगी, माइनस में आएगी, और हमें क्या चाहिए, माइनस वन चाहिए, तो हमें प्लस वन लाना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे, कौन सा, वन माइनस टू साइन साइन स्क्वायर थीटा बाय टू का, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू का, क्यों, जब आप माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो माइनस वन से प्लस वन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ पे, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे आप इसको सॉल्व करोगे, सभी जो टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल कीजिए, वन से वन कैंसिल आउट, इस वन से ये वाला, यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये, यहाँ से टर्म कितनी बचेगी आपकी, टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाय टू। एक चीज का ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, जब ये वन वन कैंसिल आउट हो गए तो टू से आपका टू भी तो खत्म हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में, और कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कोट, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय टू। इतना तो आप कर सकते हो शॉर्ट में। अब यहाँ से ये सभी टर्म कैंसिल आउट, यहाँ पे टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, यहाँ से टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन कितना बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा बाय टू। इनको आप क्या लिख सकते हो, वन अपॉन टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल्स टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास में टर्म क्या आ जाएगी, टेन हाइपरबोलिक, इसकी इधर कर दो इसकी इधर, तो आपको मिलेगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा बाय टू इज इक्वल्स टू टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय टू। सो इम्प्लाइज दैट आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा बाय टू। तो एक टर्म तो आपके पास में प्रूफ हो गई, जो कि हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, सेकेंड पार्ट और करना है। अब इससे आगे देखिएगा, यहाँ पे ये टर्म आपने प्रूफ कर दी, इसमें क्या करोगे आप, दोनों साइड रूट लोगे, ऑन taking roots on both sides, taking roots on both sides we get, दोनों साइड रूट लोगे तो आपको पता है स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आपके पास में टर्म क्या बचेगी, tan hyperbolic x by 2 is equals to tan theta by 2, tan hyperbolic x का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, और x के प्लेस पे कितना है, x बाय टू है, अपॉन में कितना आएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, तो x के प्लेस पे कितना है, x बाय टू, और इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा है, tan थीटा बाय टू। अब एक चीज का ध्यान करना, इसमें जब आप ऐसे करके सॉल्व करोगे तो आपका माइनस साइन आएगा, जबकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्या आएगा आपका, प्लस साइन, तो क्या कर दोगे आप, इसको अपोजिट कर दोगे, यानी कि दोनों टर्म को अपोजिट करोगे तो आपको इधर से क्या मिलेगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी e की पावर x बाय टू प्लस e की पावर माइनस x बाय टू, और अपॉन में आ जाएगा e की पावर x बाय टू माइनस e की पावर माइनस x बाय टू, और इज इक्वल्स टू में ये हो जाएगा आपका वन अपॉन टेन थीटा बाय टू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा इसमें क्या अप्लाई करोगे, आप दोबारा से कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करोगे, सो लिखेंगे अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करिए, तो ऊपर वाले टर्म में एक बार तो नीचे वाली टर्म ऐड हो जाएगी, और अपॉन में ऊपर वाले टर्म में नीचे वाली टर्म माइनस हो जाएगी, तो e की पावर x बाय टू प्लस e की पावर माइनस x बाय टू, इसमें ये वाली टर्म ऐड हो जाएगी एक बार तो, और एक बार क्या हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये तो एज इट इज रहेगा, e की पावर x बाय टू प्लस e की पावर माइनस x बाय टू, इसमें से ये माइनस कीजिए तो ये माइनस का हो जाएगा x बाय टू, और ये प्लस का हो जाएगा e की पावर माइनस x बाय टू। यहाँ पे भी अप्लाई करोगे तो इधर कितना हो जाएगा, वन प्लस टेन थीटा बाय टू, और यहाँ हो जाएगा वन माइनस के टेन थीटा बाय टू हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, इससे आपकी ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से ये वाली टर्म ऐड करोगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू इंटू ई की पावर एक्स बाय टू, और अपॉन में कितना आएगा, टू इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाय टू, वन प्लस टेन थीटा बाय टू, और अपॉन में चलेगा वन माइनस के टेन थीटा बाय टू, टू से आपका टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, जो अपॉन में e की पावर माइनस एक्स बाय टू है, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, x बाय टू में x बाय टू ऐड करोगे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो टर्म कितनी आ जाएगी, e की पावर
इज इक्वल्स टू में 1 को आप क्या लिख सकते हो, 10 पाई बाय 4 लिख सकते हो, प्लस कितना है 10 थीटा बाय 2, 1 माइनस, देखिए इसके इनटू में हम 1 ऐड कर सकते हैं, तो 1 के प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हो यहाँ पे, 10 पाई बाय 4 इंटू 10 थीटा बाय 2, इधर की साइड ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, 10 x प्लस वाई का, तो यहाँ से आपके पास में टर्म कितनी आ जाएगी, e की पावर x इज इक्वल्स टू 10 x प्लस वाई, x के प्लेस पे कितना है पाई बाय 4, प्लस y के प्लेस पे कितना है थीटा बाय 2, यहाँ पे e की पावर x है, इसको अगर आप एंटर लॉग लोगे इधर की साइड e चला जाएगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लॉग में, और यहाँ से टर्म क्या बचेगी, ओनली x, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू लॉग 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, जो कि आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, ठीक है। इसके साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसको नोट करिए। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने आप कर लेना, क्यों, अभी जो मैंने जस्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराया उसमें मैंने आपको क्या प्रूव कराया कि cos hyperbolic x is equal to अगर sec थीटा है तो उस कंडीशन में आपको प्रूव क्या करना है, x is equal to log 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, ये टर्म आपको प्रूफ करनी है, यही तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमने यहाँ तक प्रूफ कर दिया, तो यहाँ तक तो आप प्रूफ कर दोगे इस क्वेश्चन को, बात आती है इससे आगे, मैम यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा है, यहाँ पे कितना है 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 है, तो देखिए जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराया था, तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको क्या कराया था कि u इज इक्वल्स टू दिस हम लेके चले थे, और हमने जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई थी उसमें हमने क्या प्रूफ किया था, उसमें हमने प्रूफ किया था sec थीटा x इज इक्वल्स टू sec थीटा प्लस tan थीटा, कुछ इस टाइप से आपकी टर्म आई थी, या फिर आई थिंक ये था कि e की पावर u इज इक्वल्स टू, हाँ ये टर्म आई थी हमारी, e की पावर u इज इक्वल्स टू sec थीटा प्लस tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम ये वाली टर्म लेके चले थे और हमारी यहाँ तक टर्म आ गई थी, ठीक है। तो सेम आपको क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 वाला स्टेप फॉलो करना है, इस वाली टर्म को लेके चलोगे, ये वाले टर्म प्रूफ करोगे, इसके जस्ट बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 से करना है, क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 से आप इस वाली टर्म को लेके चलोगे और इस वाली टर्म को यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दोगे, ठीक है। ये टर्म लेके चलोगे और ये वाली टर्म इसमें आप प्रूफ करके दिखा दोगे, और जो ये वाली टर्म है वो किसके इक्वल आएगी, आपके इसके इक्वल, क्योंकि e की पावर u, u किस में था, जो हम क्वेश्चन नंबर 4 में लेके चले थे, अब हमारे पास में टर्म क्या है, x है, तो आप क्या लेके चलोगे, e की पावर x, तो e को इधर लेके जाओगे तो टर्म कितनी आ जाएगी आपके पास में, x इज इक्वल्स टू log sec थीटा प्लस tan थीटा, और यही क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप कर लेना, स्टेप मैंने बता दिए, पहले क्वेश्चन नंबर 5 से इसको लेके चलोगे, इसको प्रूफ करोगे, फिर 4 के अकॉर्डिंग इसको लेके चलोगे और इसको प्रूफ करके दिखा दोगे, ठीक है। तो इसके साथ में एक्सरसाइज 2 आज आपकी कंप्लीट होती है, कल को नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, इसमें टोटल है आपकी 4 एक्सरसाइज, यानी कि 2 दिन के अंदर आपका और ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसमें कि लॉगरिथमिक फंक्शंस होंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी सभी टर्म्स, बाकी के फॉर्मूले वगैरह जो भी हैं वो आप याद कर लेना, क्योंकि बिना फॉर्मूलों के ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं है, एग्जांपल्स आपको अच्छे से करने हैं, बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, जितने इंपॉर्टेंट हैं ज़रूरी हैं जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे वो मैंने आपको करा दी, इससे बाहर नहीं आएगा, बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन से जितने ज़्यादा आप अटैम्प्ट कर सको उतने कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।